अहमदाबाद में रोड शो में प्रियंका गांधी का फूलों से स्वागत। शहर के प्रत्याशी रिजवान और देहात के प्रत्याशी इकराम के समर्थन में रोड शो। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 2 महीने के बाद मुरादाबाद आई हैं और फिलहाल वे रोड शो कर रही हैं। उनके साथ में वाहन पर मुरादाबाद देहात से कांग्रेस के प्रत्याशी इकराम कुरैशी और हाजी रिजवान कुरैशी भी बैठे हैं। प्रियंका गांधी की मुरादाबाद में ससुराल है और 2 माह पहले वे यहां आई थी तो दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस के पीछे प्रतिज्ञा रैली करते हुए उन्होंने कहा था कि अगली बार जब भी आऊंगी तो पति रॉबर्ट वाड्रा भी साथ होंगे। लेकिन गुरुवार को ऐसा नजारा देखने में नहीं आया। वे चुनावी समर में रामपुर से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने के बाद सीधी मुरादाबाद पहुंची। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी मुरादाबाद देहात के कांग्रेस प्रत्याशी इकराम कुरैशी और मुरादाबाद शहर के कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी के लिए जामा मस्जिद से रोड शो कर रही हैं और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रही हैं। कार की छत पर बैठी प्रियंका गांधी पर कई स्थानों पर जमकर फूलों की वर्षा की गई। मालूम हो कि हाजी इकराम कुरैशी अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। वे शहर से चुनाव लड़ रहे रिजवान कुरैशी के चाचा हैं। अखिलेश यादव ने हाजी इकराम कुरैशी का टिकट काटकर उनके पड़ोसी मीट व्यापारी हाजी नासिर कुरैशी को दे दिया था। इसके बाद इकराम कुरैशी समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होकर मुरादाबाद देहात से चुनावी समर में है।